प्लीज सेटल प्लीज मैम प्लीज सेटल हो जाइए प्लीज 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 थैंक यू सो मच यार पहले अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो एक बार प्लीज सबके हाथ में फोन है आई कैन अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग बॉस ओ टी टी सीजन थ्री दोस्तों एक बार जोरदार बिग बॉस के लिए तालियां अब मैं ये नहीं बोलने वाला कि इस बार सीजन थ्री में जो मजा है वो तीन गुना होने वाला है नहीं क्योंकि मुझे लगता है तीन गुना ना अंडर स्टेटमेंट है अंडर स्टेटमेंट लगता है क्योंकि हमें ना अपनी जिंदगी से ज्यादा ना दूसरों की जिंदगी में क्या चलता है ना वो देखने मजा आया अग्री करते हो अब मीडिया वालों से ज्यादा अग्री इस चीज से कौन ही करेगा कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है हमें खाने में ना चाट और बातों में पंचात पसंद है और मुझे लगता है अगर ताका जा झाकी घरों में करना कोई स्पोर्ट्स होता ना ओलंपिक तो हमारे गले में ना गहनों से ज्यादा मेडल मेडल होते मेडल, और हमारे घरों में बर्तन से ज्यादा गोल्ड लेकिन थैंक्स टू बिग बॉस ओ सीजन थ्री ट्वेंटी नाइन रुपीज के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप ट्वेंटी फोर आवर्स देख सकते हो बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है मतलब आप नॉन स्टॉप दिन रात अब सिर्फ इतना नहीं कि घर में क्या चल रहा है लिविंग रूम में बेडरूम में बाथरूम में किचन में सब कुछ मतलब वो क्वेश्चन था ना कि रसोड़े में कौन था ए सबको पता चलेगा कि रसोड़े में कितने बजे किसके साथ कौन कौन था और इस बार बिग बॉस इतना खास होने वाला है उसका रीजन हम सबको पता है एवरी वन नोस तो यंग एनर्जेटिक जिनको देखकर उम्र गुल हो जाती है ए के द डायनामिक अनिल कपूर है इस बार अनिल कपूर के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों प्लीज मैं वहां बैठा होता मैं चिल्ला रहा होता ठीक है क्योंकि अनिल कपूर सर की जो एनर्जी है ना वो एनर्जी से मुझे लगता है बिग बॉस की जो एक आंख खुली है ना दूसरी वाली भी खुल जाएगी इस बार और जितने लोग ये जो बातें करते हैं ना हर साल वही घीसी पीटी के बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है ये बोला ना जिसने भी अनिल कपूर सर मुझे लगता है खुद आके आपका दिन-आदिन धा कर देंगे और सच बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस है बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है क्योंकि अपना बैंड खुद कौन ही बजाएगा मैं भी आपको पता होगा मैं बिग बॉस ट्रॉफी जीत चुका वेट मुझे पता नहीं है वो ट्रॉफी का वजन कितना है बट ये बता सकता हूं कि मुझे भारी बहुत पड़ी है वो वाली और भारी से मुझे याद आया कि इस बार बिग बॉस में कुछ खास होने वाला है और कुछ बहुत भारी होने वाला है इस बार कंटेस्टेंट छोड़ो जनता भी उंगली करेगी वोट्स के लिए इस बार जनता का फुल्ली टेक ओवर है आपको बताऊं मुझे एक, एक चीज पता चलिए कि इस बार जनता डिसाइड करेगी जनता भी डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन सा टास्क करेगा मतलब बिग बॉस की टीम में इस बार जनता है और मुझे लगता है अरे यार छोड़ो मुझे तो बहुत बताने का मन कर रहा है लेकिन अगर सब मैं बता दूंगा तो एक क्या बताएंगे है कि नहीं और ए के मुंह से सुनने के लिए तो हम सब बेसबरे हुए जा रहे हैं। है ना ठीक है तो आप लोग सब सोच रहे होंगे तो आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं। यहां क्यों नहीं पहुंचे देखो मुंबई का ट्रैफिक आप सबको पता है लेकिन मुझे जस्ट अभी पता चला है कि फाइनली ए के यहां पहुंच चुके है ना और उनका वेलकम अनिल कपूर सर सब जानते कि वो जब पानी भी पीते हैं ना तो पानी भी एनर्जी ड्रिंक बन जाता है एज जो है वो सिर्फ उनके सामने कॉन्सेप्ट है और आपके पास अब मैं ज्यादा वेट नहीं कराना चाहूंगा लेकर आ रहे हैं बिग बॉस ओ सीजन थ्री अनिल कपूर उर्फ एके यार एके, एके आ जाओ यार प्लीज ये मुगैम्बो का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है इधर मिस्टर इंडिया बनने की जरूरत नहीं है आ सर मेरे यार सर वैसे तो नो एंट्री में भी एंट्री कर देते जहाँ पे एंट्री करना चाहिए वहाँ ही नहीं सर एंट्री नहीं कर रहे हो सर प्लीज़ ऐसा मत करो सर यहाँ सब मीडिया आ चुकी है सर प्लीज़ आ जाओ सर <laughs> सर प्लीज़ आ जाइए सर हमारी एज तो निकली जा रही है प्लीज सर ओह देखो ब्लैकआउट हो चुका है मतलब आप सब समझ चुके हो क्या होने वाला है तो जोरदार आवाज करो चिल्लाओ तालियां बजाओ गिव इट फॉर अनिल कपूर बहुत हो गया जाकास करते हैं ना कुछ खास रूल्स बदलेंगे और नए नजरिए का होगा ब्लास्ट मुनावर बोल इस नकली को बंद करे उसकी बकवास बिग बॉस होस्ट करने वाला हूं मैं ये तो है साला टाइम पास है कुर्सी मंगा रहे अरे कुर्सी छोड़ो अनिल सर देख लेना ना तुम लोगों को खटिया खड़ी करेंगे तुम्हारी चलो प्लीज ये सब मत करो यार हमारे को ओरिजिनल वाला ओझी चाहिए भाई अनिल कपूर सर नजरें बिछा के बैठे लोग क्या कर रहे हो सर प्लीज आ जाओ सर प्लीज रिक्वेस्ट सबर का फल मीठा होता है और बहुत ज्यादा सबर करने का फल अनिल कपूर होता है फाइनली सर इज सर इज यस बंद 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 कर कर बंद कर ए बंद कर। अरे वो चार लोग इधर आओ वो चार लोग रुको रुको तुम ये चार लोगों के साथ जो नाचते हुए अगर एक है आ गए ना ये चारों के कंधों पे जाओगे भाई तुम चलो 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 अरे मजाक बना के रखा है यार बट मेरे को एक चीज रियलाइज हो रही है बोल रहे थे ना कुछ खास होने वाला है कुछ अलग होने वाला है तो जब कुछ अलग होने वाला है तो इतनी आसानी से हमारा स्टार थोड़ी आ जाएगा यार है कि नहीं तो मुझे लगता है ये ग्रैंड एक्टर का ग्रैंड वेलकम करने के लिए मैं एक शायरी पढ़ देता हूं क्या बोलते हो आप साथ हो सब लोग अरे चिल्लाओ यार चलो देखो तो इनके स्टाइल की तो दुनिया इनके स्टाइल की तो दीवानी है सारी कंट्री इनके स्टाइल की तो दीवानी है सारी कंट्री विरासत इनकी तो कभी एक दिन के मंत्री पुकार हमारी भी सुन लो मजनू भाई ये नो एंट्री में कर दो एक धमाके भरी एंट्री